हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। म्यूजोडाउन चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आप लोगों को बॉस एंड एम्प्लॉय पर बेस्ड कोरियन ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब में मिल जाएगा। लिस्ट में काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रामा है जिन्हें आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप लोगों ने मेरी लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा था। अगर नहीं देखा तो जाकर देखना, क्योंकि सभी की स्टोरी सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जिन्हें आप लोगों को ज़रूर जाकर देखना चाहिए। और अगर आप लोगों को मेरी लिस्ट में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है व्हाट इज रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। एक ऐसी बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि इस ड्रामा में स्टीमी रोमांस है, जेलेसी और हेट वाली एक इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल है जो इस ड्रामा को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बनाती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यंग जुंग की, जो अपने फैमिली बिजनेस का वाइस प्रेसिडेंट है और उसके पोजीशन को अचीव कराने में उसकी सेक्रेटरी किम मिसू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पर यंग जुंग इतना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है कि उसने कभी भी मिसू के काम को अप्रिशिएट नहीं किया। पर जब पूरे 9 साल साथ काम करने के बाद मिसू सडनली रिजाइन कर देती है तो यंग जुंग को रियलाइज होता है कि वो मिसू के बिना कुछ भी नहीं है, और उसके और मिसू के बीच का बॉन्ड बॉस एम्प्लॉय से बढ़कर है। पर ये प्यार है या कुछ और, ये उसे भी पता नहीं है। पर जब वो मिसू को किसी और के साथ देखता है तो उसे जलन होने लगती है, और इसलिए अब वो मिसू को डेस्परेटली अपने पास चाहता है। पर प्रॉब्लम ये है कि यंग जुंग का बड़ा भाई सुनयुन भी मिसू से वन साइडेड लव करता है, और इसलिए वो मिसू को वापस यंग जुंग के पास नहीं जाने देना चाहता है। तो अब इस कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल में क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हो। किस्मत वाले लोग ही इसके गवाह बन सकते हैं। मैंने तुमसे मना किया था कि मेरे सामने मत आना। आइंदा मैं इसका ध्यान रखूंगी। साला कमीना कहीं का। मुझ जैसा कमीना कहीं देखा है क्या? उससे बात भी नहीं कर सकता। तुम मेरे काबिल ही नहीं हो। वाह, आज नींद पूरी हुई। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है किंग द लैंड। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। एक और ऑसम बॉस एम्प्लॉय पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव इट वाली लव स्टोरी दिखाई गई है दो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन सारैंग और गोवान के बीच। सारैंग एक बहुत ही चेयरफुल और ब्राइट पर्सनालिटी वाली लड़की है जो हमेशा मुस्कुराती रहती है, ये सोचकर कि वो अपने स्माइल से डिस्पेयर और सैडनेस से सफर कर रहे लोगों को थोड़ा सा दिलासा दे सकती है। और वहीं गोवान एक ऐसा इंसान है जो अपने लाइफ में हमेशा प्रैक्टिकल सोचता है, और इसलिए उसे उन लोगों से सख्त नफरत है जो लोग अपने नकली मुस्कुराहट की मदद से अपने रियल इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं। तब क्या होगा जब सारैंग जैसी चेयरफुल लड़की जो हमेशा दूसरों को खुश करने के बारे में सोचती रहती है, वो एक ऐसे एरोगेंट बॉस के अंडर काम करेगी जो इतना ज्यादा कोल्ड हार्टेड है कि उसे दूसरों के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है एक स्पेशल साईफाई रोमांटिक ड्रामा, जिसका नाम है मेल्टिंग मी सॉफ्टली। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। एक रोमांटिक के ड्रामा लवर को क्या चाहिए, रिफ्रेशिंग और कैप्टिवेटिंग रोमांटिक स्टोरी लाइन, रोमांस और केमिस्ट्री इतना हॉट हो कि देखने वाले के दिल में इमोशंस जग जाए, और ये ड्रामा आपको ये सभी प्रोवाइड कराएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक प्रोड्यूसर डोंग चैन की, जो जिस भी शो को भी प्रोड्यूस करता है वो शो सुपरहिट हो जाता है। डोंग चैन एक परफेक्ट मैन है जो वर्क में कोल्ड है और लव में हॉट, और उसके पीडी में पार्ट टाइम जॉब करती है मीरेन जो हैवी डेप्ट में है, और इसीलिए जब डोंग चैन अपना नया शो 24 आवर ह्यूमन फ्रीजन प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो मीरेन उस शो के प्राइज मनी 5 मिलियन वॉन पाने के लिए डोंग चैन के साथ उस शो के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाती है। पर एक्सपेरिमेंट में कुछ गलती हो जाने की वजह से वो दोनों 24 घंटे की जगह 20 साल बाद उठते हैं, और उनके बॉडी में कुछ फिजिकल चेंजेस हो जाता है जिसकी वजह से उन दोनों को अपने बॉडी का टेम्परेचर बिलो 33 डिग्री सेल्सियस रखना होगा। तब ये दोनों दोबारा से अपनी लाइफ कैसे रिज्यूम करते हैं और इन दोनों के बीच रोमांस कैसे डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है लकी रोमांस। इस ड्रामा को 7 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही वंडरफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें आपको एक बहुत ही वियर्ड बट एक्साइटिंग एम्प्लॉय बॉस वाली लव स्टोरी देखने मिल जाएगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है बुमुई की, जो अंधविश्वास में बहुत ज्यादा भरोसा करती है, और इसलिए जब उसकी सिस्टर एक कार एक्सीडेंट की वजह से कोमा में चली जाती है तो बुमुई उसकी जान बचाने के लिए एक फॉर्चून टेलर के पास जाती है, और वो फॉर्चून टेलर बुमुई को बताता है कि अगर तुम्हें अपनी बहन को बचाना है तो तुम्हें उस आदमी के साथ रात गुजारनी होगी जिसका जन्म टाइगर ईयर में हुआ हो, और
तब से बमुई ऐसे आदमी की तलाश कर रही है, पर फिर एक दिन लकली उसे पता चलता है कि एक गेम डेवलपमेंट कंपनी का अरविंद सीईओ जीसू वही आदमी है जिसकी तलाश बमुई को है। पर प्रॉब्लम यह है कि जीसू प्यार और फॉर्च्यून टेलिंग जैसी चीजों में भरोसा नहीं रखता है। तो अब क्या बमुई इस अरविंद सीईओ को खुद के साथ वन नाइट स्टैंड के लिए कन्विंस कर पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें आपको मेन लीड के लव स्टोरी के साथ साइड कैरेक्टर्स की भी अमेजिंग लव स्टोरी और लव ट्रायंगल देखने मिल जाएगा। और इस ड्रामा को करंटली आप टाटा प्ले की विदेशी कहानी चैनल पर हिंदी डब में देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है एक आउटस्टैंडिंग बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप पर बेस्ड, जिसका नाम है माय हॉरिबल बॉस। इस ड्रामा को 7.2 की आईएमडीबी रेटिंग ली है। वैसे तो आपने बहुत सी बॉस एम्प्लॉय ड्रामा देखी होगी, पर बिलीव मी दिस वन इज डिफरेंट, क्योंकि ये ड्रामा ऑफिस रोमांस पर बेस्ड नहीं है। इनफैक्ट इस ड्रामा में हमें ये दिखाया गया है कि अगर फायर और आइस आपस में लड़ेंगे तो कौन जीतेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आपको पता चल जाएगा। दरअसल इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज के बीच, जिसमें से एक है दाइजुंग जो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड वुमेन है, और वो इतनी स्टोन हार्टेड लेडी है कि उसे दूसरों के फीलिंग से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। और वहीं उसके अंडर में काम करता है जुंगी, जो गौतम बुद्ध की तरह बिल्कुल शांत पर्सनालिटी वाला पर्सन है। तो अब कैसा इंटरेस्टिंग बॉन्ड बनेगा जब हॉट फायर को कोल्ड आइस के साथ मिलाया जाएगा। यही ड्रामा में बहुत सारे कॉमेडी और थोड़े रोमांस के साथ दिखाया गया है। तो फिर अगर आप भी फायर और आइस के इस अमेजिंग फ्यूजन को देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है 2018 की सबसे बेस्ट बॉस एम्प्लॉय ड्रामा, इसका नाम है क्लीन विद पैशन फॉर नाउ। एक ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 7 की आईएमडीबी रेटिंग ली है। मैं मानता हूँ कि टू अपोजिट साइड अट्रैक्ट इच अदर, पर इस ड्रामा में दो डिफरेंट साइड इस तरह से अट्रैक्ट होंगे कि रोमांस और अंडरस्टैंडिंग की सारी हदें तोड़ देंगे। मैंने इस ड्रामा से एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है संगुल की, जो क्लीनिंग कंपनी का सीईओ है और उसे जर्मोफोबिक डिसऑर्डर है, और इसलिए वो अपने सराउंडिंग को और खुद को बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन रखता है। पर प्रॉब्लम ये है कि उसे अपने चेयरफुल एम्प्लॉय ओसियोल से वन साइडेड लव हो जाता है। पर ओसियोल ऐसी केयरफ्री लड़की है जो अपने सराउंडिंग को और खुद को जरा भी साफ नहीं रखती है। अगर उसके मुंह पे खाना लगा है तो लगा ही रहेगा, अगर उसके हाथ गंदे हैं तो गंदे ही रहेंगे, उसे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जर्मोफोबिया से सफर करने वाला इंट्रोवर्ट बॉस और केयरफ्री और गंदगी से रहने वाली एम्प्लॉय के बीच कैसे नोकझोंक वाली क्यूट लव स्टोरी डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस प्रॉपर एंटरटेनिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 4 नंबर पे ड्रामा है फॉरकास्टिंग लव एंड वेदर। इस ड्रामा को 7.1 की आईएमडीबी रेटिंग ली है। एक ऐसी यूनिक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिनका मेन प्लॉट 4 लोगों के अराउंड सेंटर्ड है। जिन हाक्यूंग, इसीबुक, हाकीजुंग और चोई योजिन, ये चारों कोरिया के मीटियोरोलॉजिस्ट सेंटर में काम करते हैं, और इन चारों का नेचर सीजन की तरह है। समर की तरह हॉट, विंटर की तरह कोल्ड, रेन की तरह अनप्रेडिक्टेबल, और ऑटम और स्प्रिंग की तरह ब्यूटीफुल और सिंपल। और अब जब 4 डिफरेंट नेचर के पर्सनालिटीज एक साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो एक कैसी यूनिक और इंटरेस्टिंग लव स्टोरी डेवलप्ड होती है, इस ड्रामा में दिखाया गया है। और इसके साइड बाय साइड इस ड्रामा में कोरिया के वेदर को लेकर बहुत से टेरिफाइंग सिचुएशन दिखाया गया है, जिन सिचुएशन को मीटियोरोलॉजिस्ट सेंटर में काम करने वाले मेंबर अपने पूरे डेडिकेशन से हैंडल करते हैं। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा है जो आपको सूथिंग लव स्टोरीज के साथ नेचर के अनप्रेडिक्टेबल एक्शन को फेस कराएगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। हमारी 3 नंबर पे ड्रामा है लॉलेस लॉयर। इस ड्रामा को 7.8 की आईएमडीबी रेटिंग ली है। ये एक कोर्ट रूम रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, जिसे मुझे अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो मैं बोलूंगा ऑसम, क्योंकि इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सोंगपिल और जेही की, जो बहुत ही सनकी और बैडेस है। सोंगपिल जो एक गैंगस्टर की लाइफ जीकर बड़ा हुआ है, और उसका एक ही फंडा है, व्हाट एवर इट टेक्स जस्ट कम्प्लीट द जॉब। और इसीलिए सोंगपिल अपने माँ के मर्डर से बदला लेने के लिए वो एक लॉयर बनता है और खुद का एक लॉ फर्म खोलता है। और वहीं जेही एक ऐसी लॉयर है जिससे इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होती है, और इसलिए वो एक केस के दौरान करप्टेड जज को बहुत बुरा भला बोल देती है, जिसकी वजह से उसका लाइसेंस कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाता है, जिसके बाद वो संकुल के अंडर में काम करने लगती है। और ये दोनों मिलकर लॉ और उसके लूप होल का यूज करते हैं संकुल के माँ के मर्डरर मुंजुन और होजुन से बदला लेने के लिए, जब एक वेल्दी बिजनेसमैन और जज बन गए हैं। तब ये दोनों कितने स्टाइलिस और बैडेस वे में अपना बदला लेते हैं, और उसी दौरान इन दोनों को प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 2 नंबर पे ड्रामा है सीवक पिटी। इस ड्रामा को 7.6 की आईएमडीबी रेटिंग ली है। ये ड्रामा लिटरली एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें आपको फेक आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा, लव ट्रायंगल मिलेगा और स्ट्रीमी रोमांस मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है कि मेजिन की, जो बचपन में एक रिच और पिटी लड़की थी, और वहीं उसका बेस्ट फ्रेंड जीसुंग एक बुद्धू सा दिखने वाला लड़का था, और ये दोनों कुछ रीजंस की वजह से सेपरेट हो गए थे। इसके बाद मेजिन की फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई, और फिर वो टेंशन और बिजी रूटीन की वजह से अपने चार्म को खो दी है, और अब एक एवरेज सी दिखने वाली लड़की है। और वहीं जीसुंग
एक सक्सेसफुल अट्रैक्टिव लड़का बन गया है जो 12 साल के बाद किम हेजिंग से मिलना चाहता है। पर किम हेजिंग एम्बैरेसमेंट के डर से वो अपनी जगह अपनी पीटी रूममेट को किम हेजिंग बनाकर भेज देती है। पर किम हेजिंग की प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब उसको पता चलता है कि उसका नया बॉस जीसुंग है, जिसके बाद उसे अपने बॉस के सामने उसे फेक आइडेंटिटी के साथ रहना पड़ता है। तो आगे ड्रामा में क्या क्या एक्साइटिंग होगा, इन दोनों के बीच रोमांस कैसे डेवलप होता है और किम हेजिंग की रियल आइडेंटिटी रिवील होने के बाद क्या होगा, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप प्लेक्स पर देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है टच योर हार्ट। ये एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक लव कॉमेडी ड्रामा है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। इसमें ये दिखाया गया है कि जब दो लोगों की डेस्टिनी जुड़ी होती है तो उन दो लोगों के बीच किसी न किसी बहाने से प्यार हो जाता है, और ऐसे क्यूट और सिली एक्सक्यूज इस ड्रामा में दिखाया गया है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक एक्ट्रेस ओयुन सियो की, जो क्यूट और खूबसूरत तो बहुत है और उसकी एक्टिंग बहुत ही बेकार है, और इसलिए जब उसे नए ड्रामा में एक लॉयर के सेक्रेटरी का रोल प्ले करने का ऑफर मिलता है तो फैसला करती है कि वो अपने एक्टिंग को सुधारने के लिए रियल लाइफ में एक सेक्रेटरी का जॉब करेगी, ताकि उसे अपने रोल को परफॉर्म करने के लिए इनफ एक्सपीरियंस मिल जाए। और यहीं पे प्लॉट में एंट्री होती है हमारे कोल्ड हैंडसम और एरोगेंट लॉयर जुनरुक की, जिसे ना चाहते हुए भी अपने बॉस के कहने पर ओयुन सियो को अपना सेक्रेटरी बनाना पड़ता है। तब एक मासूम एक्ट्रेस और एक एरोगेंट लॉयर के बीच एक खट्टी मिट्टी लव स्टोरी कैसे डेवलप होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वंडरफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक चाइनीज ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।